ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज हम आपको मुंब्रा की एक ऐसी रास्ते की खबर को लेकर सामने आए हैं जिस रास्ते पर शायद किसी की नज़र नहीं गई, और गई भी होगी तो शायद खामोश रहना ही बेहतर समझे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उजागर करने में आगे रहते हैं, और लेकिन वो हो नहीं पाता है। हम जिस रोड की आज आपको खबर बताने जा रहे हैं, उस रोड के लिए प्रहार टाइम्स को कई लोगों ने अब तक फ़ोन पर शिकायत की है। अब आप देखिए रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ते को कैसा बनाया जा रहा है, क्या ये रास्ते को PWD ने परमिशन दिया है, क्या ये रास्ता किसी गांव या शहर के लिए बन रहा है? नहीं, हम आपको बताते हैं, ये रास्ता एक कॉलेज के लिए जाता है, कॉलेज के लिए एक रास्ता सिटी से है, तो मुंब्रा बाईपास हाईवे से रास्ता क्यों चाहिए? लेकिन हम सीधा आपको लेकर चलते हैं मुंब्रा बाईपास पर, जहां पर हमारे साथ प्रहार टाइम्स के संवाददाता इस्लामुद्दीन मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं पूरी हकीकत। इस्लामुद्दीन खान, मुंब्रा बाईपास से लगकर वो कौन सी जगह है जहां पर नए रोड का निर्माण हो रहा है, क्या है जानकारी आपके पास? ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर ये रास्ता जो बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बाजू से ही मिट्टी जो पहाड़ है, इस पहाड़ की ही मिट्टी खोदकर यहाँ पर डाला जा रहा है, और ये रास्ता जो है बाईपास से जो है इस कॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। आपको एक बात और बता दूँ कि जो बाईपास पर काम चालू है तो वहाँ से भी जो मिट्टी निकल रही है वो मिट्टी भी इसमें डाली जा रही है। बहरहाल ये धीरे धीरे जो है यहाँ पर मिट्टी डालने का काम चालू है कि किसी के नज़र में भी ना आए, और धीरे धीरे ये रास्ता भी बन कर तैयार हो जाए, और एक दिन यहाँ पर पूरा पक्की कंक्रीट रोड बनाकर इस कॉलेज को दे दी जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पत्थर मिट्टी सब यहाँ पर धीरे धीरे डाला जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे डाला जाना है, यानी कि किसी के ये चीज़ नज़र में ना आए। लेकिन उसके बावजूद ये जब रास्ता पूरी मिट्टी यहाँ पर डाल दी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पूरा रोड का ये काम चालू होगा, उसके बाद इस कॉलेज के लिए ये पूरा पक्का रोड बनाकर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी स्थानीय नेता का हाथ इसमें शामिल हुए इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। यानी पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के ये रास्ता नहीं बन रहा है। कॉलेज प्रशासन के पास एक रास्ता है कॉलेज में आने के लिए, तो फिर उसे बाईपास से रास्ता बनाने की ज़रूरत क्या है? एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर रास्ता है, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है एंडिंग हो चुका है, और यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि इस रास्ते को दिखाए, ये सीधा बाईपास से जाकर टच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बाईपास की जो मिट्टी है वो मिट्टी भी इस रास्ते में डाली जा रही है, जिसकी वजह से बाईपास को भी नुकसान है। और एक बात और है कि जो बाईपास है, इस बाईपास पर हमेशा हादसों की खबर आती है, तो अगर कहीं ना कहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं को अगर इस बाईपास ये रास्ता बन जाता है और इस बाईपास से भी आना जाना होता है, तो उनकी जानों को भी काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब कॉलेज से छात्र छात्राएं निकलेंगे तो वो बाईपास पर ही जाएंगे, इस दौरान जो है उनके जान को भी काफी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, इस्लामुद्दीन, हाईवे से लगकर ये रोड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बारे में कॉलेज के किसी जिम्मेदार से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? जी फिरोज, हमने जो है इस कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहा कि आखिर ये रास्ता जो मिट्टी डाली जा रही है यहाँ पर, तो ये रास्ता क्या PWD विभाग से परमिशन लेने के बाद यहाँ पर मिट्टी डालकर ये रास्ता बनाया जा रहा है? लेकिन इस कॉलेज में जो वॉचमैन है वो वॉचमैन हमें अंदर नहीं जाने दिए। उन्होंने साफ कहा कि आप प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की कि हमें जायज़ा लेना है, बात करना है कि क्या इस रास्ते के लिए उन्होंने PWD विभाग से परमिशन ली है। अगर नहीं ली है तो फिर ये रास्ता कैसे बना रहे हैं? अगर परमिशन ली है तो वो अलग बात है कि हाँ, फिर परमिशन ली है तो रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अगर परमिशन नहीं है उनके पास तो रास्ता कैसे बना रहे हैं? फिलहाल ये जांच की बात है कि उन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली है, ये जांच होने पर ही पता चलेगा कि इसमें बिना परमिशन के क्या ये बनाया जा रहा है। अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन खान जानकारी देने के लिए। पहले तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जब सिटी से कॉलेज को जाने के लिए रास्ता है तो दूसरी रास्ते की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात ये है, क्या PWD ने रोड को बनाने के लिए परमिशन दिया है?
ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे इस्लामुद्दीन ने यह भी बताया, रोड की भरनी किया गया है और वो मिट्टी भी आसपास की है। कहीं ना कहीं इस रोड को बनाने के लिए मुमरा बाईपास को खोखला करने पर तुले हुए हैं। और मुमरा बाईपास वाकई में आए दिन खतरे से खाली नहीं रहता है, और ऐसे में वहाँ से रोड कॉलेज तक जाना ये भी एक खतरे से भरा संदेश है। और अगर PWD ने इस रोड को बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया होगा तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा, और PWD को चाहिए इसकी जांच करे, दोषी पाए जाने पर इस पर कार्रवाई करे। और जाहिर सी बात है, हजारों लोगों की मांग पर एक रोड नहीं बनता, और एक कॉलेज के लिए किस तरह से रास्ते का निर्माण किया जा रहा है ये तो आपको खुद ही दिखाई दे रहा है, ये एक नमूना खुद सामने है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।